अभी तो कुछ नहीं, अभी से पानी मांगने लगे। अभी अभी आपने नंबर सुना मेरे भाई शंभू बांगड़े जी, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बजाया, सब काम किए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब तुम्हें बिटिया से इतना प्यार था, कलकत्ता में उसके साथ रेप हो गया, उस बिटिया से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, तो तुमको असल तो जब मानता, जब ये कुर्ता फाड़ करके दिखाते, तुमने कुर्ता तो उतार दिया और बनियान फाड़ी क्यों? दो चार पांच रुपया को धंधो है जाए। अरे असली लड़की का हितैषी जब मानता, तुम्हारा कलेजा फटा जा रहा था, कुर्ते को फाड़ देते। लेकिन नहीं, 800 रुपया को बने, बनियान 30 रुपया की है। चलिए, क्या कह रहे थे आप? कि बाकी नस कटवा दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। तुम्हारो बहुत दिना को कटो वो। खैर असली बात पे आए, कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस ने जबरदस्ती आदमियों को पकड़ पकड़ के बताइए उनकी नसबंदी कराई थी कि नहीं कराई थी। लेकिन फिर भी बलात्कार नहीं रुके शर्मा जी, और इन बलात्कारियों का इलाज आपके सेनवा गांव में बता करके जाऊंगा, और ऐसा इलाज बता करके जाऊंगा कि आज के बाद में हिंदुस्तान में अगर ये काम तुमने कर दिया तो कभी कहीं कोई बलात्कार नहीं होगा। एक छंद गाया जी, बताओ छंद में तुम्हारी समझ में आयो कछु? हाथ उठा के बताओ। ऐसो लिखोए मैंने जो मोइये माले में और काउए माले में ना है। जब रावण फावड़ सब मर गए, दशहरा मनने लग गया, तो एक आदमी ने इनसे पूछ ली, चौबाई जी दशहरा काई को मनाया जाता है? तो देखो कांते घुमाए के लाए। एक बाली ने 6 महीना दाब लो, यो कर लो, फलानो कर लो, ये कर लिया था, लेकिन असली बात नहीं बताई। रावण रावण के मुकाबले पवित्र और धैर्यवान व्यक्ति नहीं था कोई धरती पे। अगर वो बदतमीजी करना चाहता तो माता सीता को अशोक वाटिका नहीं ले जाता, वो लंका में ले जाता अंदर। लेकिन लंका में नहीं ले गया, उसने सोचा कि सीता मैया क्योंकि ये साक्षात दुर्गा है और यही मेरा उद्धार करेगी, तो क्यों ना इसकी भी पवित्रता बची रहे और मेरा भी धर्म बचा रहे, इसलिए अशोक वाटिका में सीता को रखा था। रावण से बड़ा विद्वान और रावण से अच्छा आदमी कोई था नहीं धरती पे। लेकिन तुमने नेक सी बात पकड़ ली, अब इसका भी जवाब लेना। और मुझसे जब से मैं आया हूं तब से एक ही बात कही है यहाँ की पब्लिक ने, शर्मा जी एक कछु ऐसो छोड़ जाइयो जो अगली साल तक याद रखे, पब्लिक याद रखे, तो तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, टुकड़े का, छंद का, चीज का। अरे रसिया अपना गाऊंगा, और ऐसा रसिया गाऊंगा कि आज की तो चले क्या, जब तक तुम जिंदा रहो तब तक मेरे रसिया का जवाब दे देना, कुश्ती आर पार की हो जाएगी। अब जे बताओ बा, बलात्कारी को इंतजाम कर दूं? हैं? मासा बजाएं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। क्या जाने इतने दिन रात को जानी मेरे तारे दिन, याद तुम्हारी आती है मेरी नींद चुराती है। अरे याद तुम्हारी आती है मेरी नींद चुराती है।
कर तूने मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। दोस्तों सुनो, शर्मा जी, जिस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी पार्टी का हो सकता है, बुरा मत मानना। आप कलकत्ता को रो रहे हैं, कलकत्ता को, एक डॉक्टरनी के साथ में रेप हुआ वहां तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे यूपी में, हमारे हिंदुस्तान में रोजाना बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, उधर आपका ध्यान नहीं है किसी का। जिस प्रदेश में बहन बेटियों की, बच्चियों की इज्जत लुटना शुरू हो जाए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर आंखों में शर्म हो तो उसे कुर्सी से एक मिनट में इस्तीफा देकर के नीचे उतर जाना चाहिए। उससे तो इस्तीफा मांग रहे हो, बंगाल वाली से तुम इस्तीफा नहीं दे रहे। अब इसका इंतजाम सुनो, एक कानून भारत का एक जैसा बन जाए, अरे कानून भारत का एक जैसा बन जाए, हर एक दुश्मन नहीं माफ माना जाएगा, अरे हर एक दुश्मन नहीं माफ माना जाएगा। और देख, अरे जिस देश में बलात्कारी को वकील मिले उस देश में कभी ना इंसाफ माना जाएगा, जिस देश में बलात्कारी को देख वकील मिले वहां इंसाफ हर दिन माना जाएगा, वहां पे नहीं इंसाफ माना जाएगा। और चाचा हकीकत कह रहा हूं, अरे बलात्कारियों की जो खातिरदारी रोज करे, बलात्कारी रोज करे, बलात्कारियों की खातिरदारी रोज करे, उसका ही माइंड देखो हाफ माना जाएगा, अरे उसका माइंड ही हाफ माना जाएगा, और उसका माइंड ही हाफ माना जाएगा। और हकीकत कह दूं, तालियों का प्यार चाहूंगा, अरे जो भी वकील इन गुंडों का केस लड़े वो ही हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा, वो ही हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा, वो ही हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे कन्हैया शर्मा जी हमें देते हैं, आपको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया था, मैं भी उनको 1100 ले लूंगा, क्योंकि बात ही ऐसी गाने के लिए जा रहा हूं। अब ले, ये जो बिटिया है इसकी लाश तो जला दी, लेकिन इसकी आत्मा आज भी भटक रही है, और आत्मा भटक रही है इंसाफ मांगने के लिए। और इंसाफ कब मिलेगा बताऊं, नस काटवे ते ना मिलेगा, औजारे काटवे ते ना मिलेगा, मैं बताऊंगा इंसाफ। और एक एक आदमी कह दे बात सही है, दे आत्मा को शांति मिले इसका कष्ट, ये जो बिटिया पड़ी है इसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा को शांति मिले इस बिटिया का संकट तार दो, आत्मा को शांति मिले इस बिटिया का संकट तार दो। भैया शंभू जी, आप तो जो कह रहे थे कि मैं फटका गाए दूं जाते, फटका गा देगो, और फटका में कहा गा रहे कि तेरी अम्मा को पकड़ ले, इसको फटका नहीं कहते, तुम मुझे 500 गालियां देना मैं तुम्हें 500 गालियां दूं, उसको फटका नहीं कहते।
देखो फटका काहे से कहते हैं, बुरा मत मानना हमें। आत्मा को शांति मिले सो बिटिया का संकट उतार दो। ओके, इससे बड़ा इलाज नहीं मिलेगा उसी बिटिया के हाथों से आत्मा को। हाँ जी पवन शर्मा जी। अरे आत्मा को शांति मिले सो बिटिया का संकट उतार दो। के चौराहे पे नंगा करके, चौराहे पे नंगा करके इस कुत्ते में गोली मार दो। ऐसे ना मानूंगो जो पलंग पे नोकेंगे, उल्टे सीधे तो बोलेंगे। तो हाथ उठा करके बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बेटा विनोद शर्मा जी, आप औजार उसका कटवा दोगे तो वो दूसरे को शिक्षा देगा कैसा कर। जब साला देखो यहाँ तो होगा कि मैं रहेगा बांस में बजेगी बांसुरी। अरे आत्मा को शांति मिले बिटिया का संकट टार दो। आत्मा को शांति मिले इस बिटिया का संकट टार दो। और प्रधान जी के चौराहे पे नंगा करके, चौराहे पे नंगा करके इस कुत्ते में गोली मार। ₹50 का पुरस्कार हमारे पवन शर्मा जी और ₹100 का पुरस्कार ये हमारे लीला प्रधान जी हमें देते हैं। अरे क्यों अनर्थ करवाए रहे, अरे क्यों अनर्थ करवाए रहे, अरे क्यों अनर्थ करवाए रहे और बिटियों को मरवाए रहे। क्यों अनर्थ करवाए रहे, कितने अनर्थ करवाओगे, दवाई तुमने गलत ढूंढी है। क्यों अनर्थ करवाए रहे और बिटियाओं को मरवाए रहे। और अब देखना ताली हमडे, क्यों अनर्थ करवाए रहे बिटियाओं को मरवाए रहे। और जाए तो छोड़ो, एक काम कर दे बस, वो आसाराम का त्यारो फूफा लगे भाई चौनाए फांसी चढ़वाए रहे। जाकी नस कटवाए देओ, मैं भाई की कटवाए देख लो। चार चार बलात्कारी बंदे हैं और उनको बिरयानी खिलाते हैं। जे संजय कल कह रहो कि मुझको दाल रोटी, अरे नहीं ये तो मेरा भाई है, दाल रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे, बिरयानी लाओ। अरे इनको नाश्ता कराने की बजाय रोज हवलदारों पे जूते उतार कर पांच पांच जूते रोज डेली इनमें लगवाए जाए तो कोई माई का लाल कभी जिंदगी में बलात्कार करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शंभू भैया, अरे आसाराम का तेरा पापू लगे, आसाराम का तेरा पापू लगे भाई फांसी चोरे चढ़ पाई रहे। टांग पे धर के टांग कले जा, टांग पे धर के टांग कले जा इनका फार दो। क्यों के आत्मा को शांति मिले बिटिया का संकट टार दो। आत्मा को शांति मिले
बिटिया का संकट उतार दो। बेटा मेरी बहन बता, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही। मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूँ जाते, सही कह रहा हूँ? एक बार इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आत्मा को शांति मिले, बिटिया का संकट उतार दो। और 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल प्रधान जी और 100 रुपए का पुरस्कार मेरे संजय भाई मुझे देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। चौराहे तक खड़ा करके, चौराहे पर खड़ा करके, अरे चौराहे पे नंगा करके इस कुत्ते में गोली मार दो। पैसा ले ले बेटा, के खास बहनिया नाश कराए गई, और के खास बहनिया और नाश कराए गई। बेटा मैं बताऊं को कह रो है, जो बात समय कह रो का तुमने नाम तो खोलो ना, हो तुम लोगों का चूतिया समझ रहे हो जो मैं नाम खोल दूंगा। लेकिन रावण के कुनबा का नाश जो कराया था उसमें रावण की गलती नहीं थी, उसकी जो बहन थी सुपर्णखा उसकी गलती थी। ना वो राम के ऊपर डोरा डालने जाती और ना उसकी नाक कटती और ना ही उसका बदला लेने के लिए रावण सीता का हरण करके लाता, तो सबसे बड़ा कसूर किसका था? सुपर्णखा को। हाँ बेटा, 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे ताऊ जी की तरफ से आया है और ये 101 रुपए का पुरस्कार हुकमचंद गौड़ फाइनेंस की तरफ से 101 रुपए आशीर्वाद की कामना। शर्मा जी एक बात और बताएंगे आप, कि खास बहनिया रावण की लंका में आग लगा करके कह गई कि भैया तेरे होते कट गई मेरी जरते नाक, इतनी कह के आग लगा के फिर चली गई। दर्शन ना बे, वो कहां चली गई, कितकु चली गई, ये शर्मा जी बताएंगे। के खास बहनिया नाश कराए गई, अरे देख आग लगे बाथंका में, खास बहनिया और वो प्यारी नाश करा ही गई और आग लगे बाखंका में। अगर वो ना होती तो जा लंका को, कब नाश ना हो तो हो, और कहूं बजाए बजाए के लंका में। चुप नहीं मोटर के बाजा चुप, ये बैठा चुप नहीं मोटर के, अरे डर के और दुश्मन आगे सरके के दुश्मन। एक तो सुपर खाने नाश कराए, दूसरो दुश्मन कौन हो वाले में विभीषण, दुश्मन बन गए खुद बाके घर के, दुश्मन बन गए खुद बाके घर के, दुश्मन बन गए खुद बाके घर के। शर्मा जी दूसरों का फिया, तुमने तो एक ही गायो चारों में, जा मैं दूसरों और बाकी कलम के खिलाड़ी हो तो अगले में चारों काफिया अलग अलग होने चाहिए। अरे दुश्मन खुद बन गए बाके घर के, रयो प्यारो हसे बन घर, और मात्र एक टुकड़े का जवाब देकर छंद खत्म करूंगा। उसके बाद में एक रसिया जो मेरी बहनें बैठी हैं इनके सामने ही सुनाऊंगा, फैसला यही करेंगी उस रसिया का।
हाँ जी माँ साहब, दिल ले गया परदेश। और ये 100 रुपए जो अभी दिए थे वो हमारे पूरन चंद प्रधान जी तरोली वाले उनकी तरफ से आए थे, धन्यवाद। अरे दिल ले गया हो, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना। दोस्तों जैसे ही मैं उस सड़क पे से यहां अंदर आया तो मैंने वही एक बोर्ड लगा हुआ देखा, बाबा श्याम कुंड। कमेटी वालों ने फोन किया कि बोर्ड मिल गया, मैंने यहां मिल गया। उसी रास्ते से मैं आया, यह मैंने चर्चा सुनी बाबा श्याम कुंड की, 4 लाइन बोल रहा हूं केवल, उसके बाद इनका जवाब। श्याम कुंड बाबा के यहां, अरे श्याम कुंड बाबा के यहाँ हमें पूरे काम दिखते हैं। अरे श्याम कुंड बाबा के यहाँ हमें पूरे काम दिखते हैं, और श्री कृष्ण और बलराम यहाँ हमें नंगे पाम दिखते हैं, श्री कृष्ण और बलराम हमें यहाँ नंगे पाम दिखते हैं। और जा श्री श्याम कुंड में आए करके हो, जा श्याम कुंड में आए करके, जा श्याम कुंड में आए करके, भक्ति के जाम दिखते हैं, जा श्याम कुंड में आकर के हमें भक्ति के जाम दिखते हैं। लेकिन मैं तो पहली बार आया हूं और मुझे यहां क्या दिखता है मालूम है? मत तो द्वारका जाओ, मत वृंदावन जाओ, न मथुरा जाओ, मत अयोध्या जाओ, हमें भक्ति के जाम दिखते हैं। और जगाम सेनबा के अंदर हम चारों धाम दिखते, कौ साहब गलत तो ना कह रहे? गणेशरा वाले प्रधान जी थे का कहूं, ब्याह करवाए थे प्रधान जी, प्रधान जी कोई ना मान ले मुझे का लग रहे, अरे को तो लगन कछु और ही दूसरा और रिश्ता कर बे ढोल ले दे। के हनुमत को हुआ घमंड, जब हनुमत को हुआ घमंड, आप कह रहे थे कि हनुमान से हनुमान लड़े, अरे कैसी बेकार की बात करते हो, ऐसी कहानियों को बच्चे गाते हुए फिरते हैं गलियों में। उनका नाम हनुमान तो बहुत बाद में पढ़ा है, पहले तो उनका नाम था मारुति, मारुति। लेकिन आपने पूछा कि हनुमान से हनुमान कब लड़े? हाँ बेटे, अरे गुरु से कपट करे चेला। फरमानी मात्र 4 लाइन दे रहा हूं, मेरी जान तुम्हारे लिए समूह भैया। ये ब्रजमोहन पाठक नौजील वाले पुरस्कार देते हैं 51 रुपए का, आशीर्वाद की कामना करेंगे। अरे गुरु से कपट करे छेला, बाकी शिक्षा पूरी लाए हो, अरे गुरु से कपट करे
करे चेला बाकी शिक्षा पूरी ना होएगी और दान भिकारी कितनों देव बाकी शिक्षा पूरी ना होएगी और सीता ने दई अग्नि परीक्षा अच्छा अच्छा प्रधान जी अरे सीता ने दई अग्नि परीक्षा परीक्षा पूरी ना होगी और परीक्षा पूरी ना होगी और दुनिया कहते हैं ताली बजेंगे बढ़िया लगे तो ताली बजेंगे तो मैं अच्छी लगे तो बजेंगे नहीं बिल्कुल मत बजेंगे अरे सीता ने दही अग्नि परीक्षा परीक्षा पूरी ना होगी औलाद की इच्छा करे जे ही जड़ा तो इच्छा पूरी देख आवे ना समझ में तेरी तो लेखन में देख ले आवे ना समझ में तेरी आवे ना समझ में तेरी देखो मैं देख ले और देख कह दूं इच्छा है तो टेक नहीं तो अरे मैं बोलूंगा बाद में जनता बोलेगी पहले कि इच्छा है तो टेक नहीं तो घंटा घर देख ले अरे यार के हनुमत को हुआ घमंड हनुमत को हुआ घमंड खड़े अभिमान में पड़े और हनुमत को हुआ घमंड खड़े अभिमान में पड़े और तब श्याम बने हनुमान हनुमान जी का घमंड तोड़ने के लिए जब अहंकार हो गया कि मेरे मुकाबले कोई नहीं है तो उधर से भगवान ने भी अपना रूप दिखाया और हनुमान जी का रूप धारण करके सामने खड़े हो गए बोले तू भी हनुमान और मैं भी हनुमान दे हनुमत को हुआ घमंड बहा अभिमान में पड़े वहा तब श्याम बने हनुमान और हनुमान से बड़े वहां श्याम राजी है जइयो अरे अब तो तू राजी है जइयो अरे देख कटो कटायो और मोपे बचो है आधो तू बाहे धर कंधा पे ले जइयो अब चो नीचे नार झुकावे रे अब चो नीचे नार झुकावे प्यारो कैसे बन हे मां साहब अब बजाएं बहर बंसी बारे थे बेटा नहीं बैठ जा नहीं जोरे मम्मी के
को कहते हैं रोहतकियाई रसिया। और जा रसिया गायबे में देखो बुरो मत मानियो गुरु शर्मा जी, बुरा मत मानना, सच्चाई कहता हूं मैं। और सच्चाई ये थी, पूछ लो अपने बाले बालों से जो बाजा बजा रहे, एक शंभू भैया को छोड़ के तुम तीनों बेसुरे, तीनों तीनों। अगर ये शंभू भैया नहीं हो तो वो रसिया पूरा करना तुम पे करना पड़ जाता। लेकिन कभी कभी बहक जाते हैं, मैं भी बहक जाता हूं, ये भी बहक जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आगे ध्यान रखना, इस रसिया का आलाप कहां से लगता है, जो इस रसिया का आलाप आशीर्वाद देते रहे बस हम डे। चोरे ओ ललित खाए खाए के भैंसा है रो, तू पूरा भिजारो है रो है। अब तो मरे मर आए तो मैं खिल्ला उड़ा जा रो है मरे को तो देता भाई सब भैया बढ़िया है। हे समू भैया बरो मत मानियो, तुम तो कह रहे थे कि मनोज भैया बरो मत मानियो, मेरी मैया को हाथ पकड़वाए रहे, मैं हाथ ना पकड़वाऊंगा ना तुम्हारी मम्मी को ना तुम्हारे पापा को। एक बार शंभू भैया अपनी मम्मी स्कूटर पे बैठार के ले जाए रे भैया, ओ भैया। एक बार शंभू भैया अगले साल तक याद रखेंगे इसको आप, अपनी मम्मी को बैठा कर स्कूटर पे ले जा रहे थे, रास्ते में एक ईंट का रोरा पहिया के नीचे आ गया, स्कूटर पलट गया। और जैसे ही स्कूटर पलटा तो जे शंभू भैया अपनी मम्मी है उठाए हुए पहुंचे के मम्मी गिर गई। जैसे ही हाथ तो लगायो सोई बा मैया ने रोक दो के रुक जा। अब वो मैया का कह रही है, आज की तो चले गया, जब तक जिंदा रहो तब तक जवाब दे देना सेनबा के अंदर दे देना। ए अब वो मम्मी कह रही है, मोए उठाए हुए आयो, अरे तेरे तेरे पापा ने जो नहीं छुओ मेरो अंग, अरे तेरे पापा ने जो नहीं छुओ मेरो अंग। शर्मा जी बनना चाची, चाची ये बैठार के मैं ले गो स्कूटर पे, हमारे शर्मा जी की जो घर ते हथकाए मेरी चाची है। तो जैसे ही वो गिरी मैं उठाए में पहुंचो तो उनने मो रोक दो के रुक, तेरे चाचा ने। अब शर्मा जी तुम ही बता दो तुमने चाची को कौन सा अंग नाए छुओ। दे अरे तेरे पापा ने जो नाए छुओ मेरो अंग, अरे मोहे वही ते पकड़े उठाए लियो। के कहना बते है ये बहुत पुरानी, सुन के क्यों अचरज हुआ। अरे कहना बते है बहुत पुरानी, कहना बते है बहुत पुरानी, सुन कर अचरज हुआ। और भैया पति ने अपनी के पति ने अपनी घरवाली का कौन सा अंग न छुआ। भैया रे
चारों लंग। अब सुनो, मेरे दिमाग में जो बात आई है मैं तो केवल इतनी सी जानता हूं, बाकी शर्मा जी बताएंगे के झगड़ो होए जब खसम लुगाई में एक ही भेद लगायो का। कोई मर्द कोई हो हिंदुस्तान में, कोई मर्द काऊ औरत की अब तक जीभ पकड़ ना है पायो। कोई मर्द बोल रही बातें बोल रही मेरे भैया बातें बोल रही अरे बातें बोल रही वो उल्टे सीधे व्यंग अरे मोहे वही ते पकड़ उठाए लियो। लड़ाईयो ये सायर मेरी बहर लड़ाईयो अरे सायर मेरी बहर लड़ाईयो हम नाम गुरु का करते सायर मेरी बहर लड़ाईयो रसियन का काम करारो। और जा दुनिया में मशहूर है गयो खिच्चो आते बारो